प्यारे दोस्तों, गुरु की महिमा पर एक और बहुत ही जोरदार दोहा है कबीरदास जी का। वो बोलते हैं, सब धरती कागज करूं लेखनी करूं बन रहा है, सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। प्यारे दोस्तों, वो तो मैं ही बता दिया कि पूरी पृथ्वी को कागज बना लीजिए और जितने भी जंगल है कि लकड़ियां हैं उसे आप कलम बना लीजिए, और जितने सात समुद्र हैं उसका अगर आप स्याही बना लेंगे तो फिर भी आप इंक से गुरु के महिमा नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि गुरु तो जानवर से आपको मनुष्य बना दिया है, ज्ञानवान विचारवान बुद्धिमान सर्वशक्तिमान पुरुषोत्तम बना दिया है, आप में आत्मविश्वास भर दिया है, आप में वो सारे गुण डाल दिए हैं जिससे कि आप अगर उसका सही उपयोग करेंगे तो आपके जीवन में चमत्कार ही चमत्कार हो जाएगा। इसलिए गुरु की महिमा अद्भुत है। गुरु गोविंद दोउ खरे काकु लागो पाए, बलिहारी गुरु आपना जिन गुरु गोविंद दियो बताए। तो गुरु की महिमा समझिए, और गुरु तो ऐसे मिलते ही नहीं, गुरु तो अलौकिक हैं, अद्भुत हैं। तो कोई नहीं मिले तो अपना गुरु खुद बन जाइए, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर बोले थे, यदि तोर डाक सुने क्यों ना आसे तो एकला चलो रे, एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे, यदि कोई डाक सुने क्यों ना तो एकला चलो रे। अगर गुरु गुरु नहीं मिलता है तो खुद का गुरु बन जाओ, क्योंकि तुमसे सर्वशक्तिमान कोई नहीं है संसार में। सारी सुविधाएं, सारे गुण, सारे ज्ञान तुम्हारे मस्तिष्क में छुपा हुआ है, उसको खोदो। जिस तरह से जो भी माइनिंग इंडस्ट्रीज में है वो बड़े बड़े मशीन से खोदते खोदते खनिज पदार्थ को पृथ्वी से निकाल लेता है, इसीलिए जो ज्ञानवान विचारवान बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं न्यूटन आइंस्टाइन जैसे, वो जो कभी किसी सुना नहीं समझा नहीं उसको भी निकाल के बाहर ले आते हैं। ग्रेविटेशन लाया, रेड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लाया, अनेक ऐसे अद्भुत आविष्कार हुए। तो ज्ञानवान विचार व्यक्ति को किसी की सहारा की आवश्यकता नहीं है, खुद की सहारा बनो, खुद का गुरु खुद बनो। धन्यवाद।